लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के एक सांसद ने एक अलग देश की मांग कर दी है। कांग्रेस सांसद की मांग है कि दक्षिण भारत को एक अलग किया जाए। दरअसल कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा है कि दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार दक्षिण भारत के राज्यों का पैसा उत्तर भारत भेज रही है। कांग्रेस सांसद के बयान पर सियासी घमासान भी पूरी तरीके से मच गया है। बीजेपी ने कहा है कि फूट डालो राज करो की नीति पर कांग्रेस चल पड़ी है। हालांकि विवाद बढ़ा तो कांग्रेस सांसद ने माफी भी मांग ली। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी सरकार के अंतरिम बजट से कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके सुरेश बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर विभाजनकारी मानसिकता रखने का आरोप लगाते हुए दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की मांग कर डाली। कांग्रेस नेता ने केंद्र पर बजट में दक्षिण भारत को विकास के लिए पैसा नहीं देने और इस पैसे का उपयोग उत्तर भारत में करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा कि अगर मामले का समाधान नहीं किया गया तो दक्षिण को एक अलग देश बनाना होगा। दक्षिण भारत में हर स्तर पर अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपना पैसा लेना चाहते हैं, चाहे वह GST, सीमा शुल्क या प्रत्यक्ष कर हो। हम अपना सही हिस्सा चाहते हैं। विकास के लिए हमारे हिस्से का पैसा उत्तर भारत में बांटा जा रहा है। डीके सुरेश के इस बयान पर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि फूट डालो और राज करो की नीति के तहत कांग्रेस काम कर रही है। वही अपने भाई के बचाव में कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार भी उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके भाई डीके सुरेश ने केवल जनता की राय व्यक्त की है। इससे पहले डीके सुरेश ने अपने बयान पर सफाई भी दिया है। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि एक प्राउड इंडियन और एक प्राउड कन्नड़िया, दक्षिण भारत और विशेष रूप से कर्नाटक ने धन वितरण में अन्याय की क्रूरता का सामना किया है। दूसरा सबसे बड़ा GST योगदान देने वाला राज्य होने के बाद भी केंद्र कर्नाटक ने धन वितरण में अन्याय की क्रूरता का सामना किया है। दूसरा सबसे बड़ा GST योगदान देने वाला राज्य होने के बाद भी केंद्र कर्नाटक और दक्षिण भारत राज्यों के साथ पूरी तरह अन्याय कर रहा है, जबकि गुजरात जैसे राज्य के फंड में 51% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर यह अन्याय नहीं है तो क्या है? उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, मैं कर्नाटक के प्रति अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाना जारी रखूंगा। जय हिंद, जय कर्नाटक। वहीं अब इस पूरे मामले पर जब विवाद बढ़ा तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुनिए। प्लीज सर। तो मैं दो ही शब्द बोला कि एक तो सदस्य नहीं है, दूसरा उन्होंने, मैं सुना कि आज के TV में कि उन्होंने कहा मैं ये नहीं किया हूं। अगर किया है तो प्रिविलेज को वहां पर भेजने दो, वो करने दो। दूसरी तीसरी बात बोलता हूं, अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे मेरे पार्टी का हो, चाहे उनके पार्टी का हो, चाहे और किसी के। इस देश को एकता रखने के लिए कोई कहे या नहीं कहे, मैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे होके कहूंगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक है, एक रहेंगे, एक देश रहेंगे। इसीलिए इंदिरा गांधी अपनी जान दी और राहुल गांधी जी अपना जान, सॉरी राजीव गांधी जी, सॉरी बोला, सॉरी, आई एम सॉरी, कैन विड्रॉ इट। सो इट विल नॉट गो। राजीव गांधी जी जान दिए। अरे ऐसी पार्टी कभी ऐसा देश तोड़ने की बात करती है और देश को अलग बनाने की बात करती है? हम कभी इसको सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज उन्होंने नहीं बोले, नहीं कहे, उसको यहाँ पर दोहराना ठीक नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।